अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम दीनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह उस पर भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें इस तरह रिस्क दिया जाएगा जिस तरह के परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस लौटते हैं। हदीस मुबारक तिर्मिजी शरीफ। अब नजर आते हैं बिशपल्ली में हुए 3 कत्ल का सनसनीखेज मामला हल। 19 साल मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महज पैसों के लिए हथौड़ी से उसने 3 का कत्ल किया था। कमिश्नर पुलिस का बयान। जिला कलेक्टर ने नई तामीर शुदा कलेक्ट्रेट की इमारत का मुआयना किया और अहदेदारों को अहम हिदायतें दी। इस मौके पर हरिता हरम के पौधों की अदम निगहदाश्त पर भी बरहमी का इजहार किया। आंगनबाड़ी टीचर्स में DCCB चेयरमैन ने सेल फोन तकसीम किए। कहा कि इसका मकसद उनकी खिदमत को तेज तर बनाना है। हुकूमत उनकी तनख्वाहों में भी इस माह से इजाफा कर रही है। वेलपुर में 50 लाख की मालियत से कल्याणा मंडप की तामीर। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों को जबरदस्त राहत मिलेगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 3 कत्ल की संगीन वारदात में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने बताया कि डिशपल्ली में 3 कत्ल के बेरहमाना मामले में पुलिस ने एक 19 साल नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। उसने ये कत्ल महज पैसों के लिए किया था। गुज़श्ता दिनों डिशपल्ली मंडल में हाईवे 44 के करीब 3 अफराद का हालत नींद में बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल के मामले में पुलिस ने एक 19 साल नौजवान श्रीकांत को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 3 सेलफोन्स और कुछ नकद रकम भी बरामद करते हुए जब्त कर ली। एक पुरहजूम सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद कार्तिकिया ने बताया कि डिशपल्ली मंडल के मौजा नड़पल्ली में हरपाल सिंह नामी शख्स की आर्म मिक्सर की वर्कशॉप है। उससे मिलने के लिए उसका दोस्त जोगेंद्र सिंह जो कि ड्राइवर है आया हुआ था। उसी तरह एक और तीसरा शख्स बी सुनील जो कि पेशे के एतबार से ड्राइवर है वो भी इस वर्कशॉप पर आया हुआ था और तीनों ही वर्कशॉप में सो रहे थे कि 19 साल श्रीकांत ने उनके सरों पर हथौड़ी से गहरे जरबात लगाते हुए हलाक कर दिया और ये तीनों हालत नींद में ही बरसरा मौका हलाक हो गए। कमिश्नर पुलिस ने मजीद बताया कि श्रीकांत आदि नशेबाज था और चोरी की वारदातों में भी मुलाविज था। उसने ये 3 कत्ल पैसों के लिए किए थे। उनमें कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। श्रीकांत को महज पैसों की ज़रूरत थी लिहाजा वो उन मक्तूलीन के पैसे लूटने के लिए उनके सरों पर हालत नींद में हथौड़ी से गहरे जरबात लगाते हुए हलाक कर दिया। पुलिस को इस कत्ल की इत्तला दूसरे दिन सुबह मिली। पुलिस की टीम ने सुरअत के साथ तहकीकात की और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तहकीकात के दौरान मुख्तलिफ दुकानों और रेलवे स्टेशन डिशपल्ली में लगे हुए CCTV कैमरों का जायजा लिया और उन फुटेज में रात करीब 12 बजे एक नौजवान को हथौड़ी लेकर जाते हुए देखा गया। पुलिस ने उसकी शनाख्त की और तफ्तीश पर इस कत्ल का सनसनीखेज मामला हलवा। पुलिस ने श्रीकांत के कब्जे से 3 सेलफोन बरामद किए जो कि इम्कान है कि मक्तूलीन के ही फ़ोन थे और कुछ नकद रकम भी बरामद कर ली। मुलजिम को अदालती तहवील में भेज दिया गया। पुलिस की तहकीकात में एडिशनल SP क्राइम टी स्वामी, ACP निज़ामाबाद वेंकटेश्वरलू, CI डिशपल्ली रघुनाथ, CI टाउन सर्कल सत्यनारायण, इंस्पेक्टर CCS मुरली कृष्णा श्री कृष्णा, हेड कांस्टेबल सीनू के अलावा कांस्टेबल्स लिंगम राजेश्वर गौर केयरबाजी गब्बर सिंह ने अहम रोल अंजाम दिया। कमिश्नर पुलिस ने उन तमाम की जबरदस्त सताइश की। इंटरवीनिंग नाइट लो मध्य रात्रि लो निजामाबाद कमिश्नरेट परिधि लो डिशपल्ली मंडल लो नड़ीपल्ली विलेज लो नियर नेशनल हाईवे 44 उन्ना ओका वर्कशॉप लो 3 मेंबर्स की ब्रूटल मर्डर बाय इंजरीज बाय फेस मीद मुखम मीद इंजरीज उन्ने मर्डर चेयडम जरिगिंदि। ई इन्फॉर्मेशन मन की उदय सुमार 9:30 10 एम की वे इनफर्मेशन वर्वा फस्ट पोली सिबंदी पैनार
అక్కడే లోకల్ ఎస్ఐ లోకల్ సిఐ తర్వాత ఏసీపీ తర్వాత ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగింది తర్వాత కన్ఫర్మ్ అయింది అక్కడే కొన్ని బాడీస్ ఉన్నాయి కదా తెలిసింది ఆఫ్టర్ నోయింగ్ అబౌట్ దట్ మర్డర్ ఇమీడియట్లీ సీనియర్ ఆఫీసర్ ఇంక్లూడింగ్ అడిషనల్ ఈసీపీ డీసీపీ మైసెల్ఫ్ అందరూ సీన్కి ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద సీన్ ఇమీడియట్లీ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీన్ యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ सदाए उर्दू सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मुशायरा और मुंतखबा शेरी निशस्त का एहतमाम जिले के अहम शोरा के अलावा ज़ौक़े सुखन रखने वाले नौजवानों ने अपने मुंतखबा कलाम सुनाए। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मीर मजाज अली ने भी कलाम सुनाकर सामाइन को हैरत व मसरत से सरशार कर दिया। 11 दिसंबर 2021 हफ्ते की शब नेशनल हाई स्कूल खिला रोड निजामाबाद में सदाए उर्दू सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम महफिल शेर व सुखन व मुशायरे का कामयाब इनेकाद अमल में आया। मुशायरे की सदारत मिर्जा अफजल बेग तेजान मालिक तेजान ट्रेडर्स व सदाए उर्दू सोसाइटी ने की। निजामत के फरायज डॉक्टर रजी शुतारी नायब सदर सदाए उर्दू सोसाइटी ने अंजाम दिए। मेहमान खसूसी के तौर पर मीर मजाज अली साबिक़ डिप्टी मेयर निजामाबाद अशफाक असफी शरीफ अथर ने शिरकत की। डॉक्टर सभी अमान ने इस्तकबालिया के कलिमात अदा किए। सिद्दीक वफा शरीक मोहतमद ने किरात कुरान पाक से महफिल का मुतबर्रिक आगाज फरमाया। पहले दौर यानी महफिल शेर व सुखन में नौजवानों ने मुंतखबा कलाम सुनाए। सैयद शादाब शहबाज ने नातिया कलाम पेश किए। शहजाद मिर्जा शोएब दानिश शरीक मोहतमद इफ्तिखार निहाल मोहतमद उमूमी अब्दुल खालिक शहबाज उबैद हाफिज ने उस्ताद शोरा की मुंतखबा गजलें व नज़में सुनाकर सामाइन से खूब दादो तहसीन हासिल की। दूसरे दौर यानी मुशायरे में सैयद यूनुस सिद्दीक वफा रफत अकबानी डॉक्टर रजी शुतारी प्रोफेसर जक्की शुतारी शरीफ अथर अशफाक असफी ने अपने कलामों के जरिए महफिल में चार चांद लगा दिए। मुशायरे के दौरान मीर मजाज अली को इनकी समाजी व सियासी खिदमात और अशफाक असफी शरीफ अथर को इनकी शेरी व अदबी खिदमात पर सोसाइटी की जानिब से गुलपोशी व शालपोशी करके तहनियत पेश की गई। इस दौरान रजियुद्दीन असलम प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ने इजहार ख्याल फरमाते हुए सोसाइटी की खिदमात और इसके अगराज व मकासिद पर रोशनी डाली और नमश नौजवानान के फन का एतराफ किया। आखिर में मिर्जा अफजल बेग सदर सोसाइटी ने सदारती खिताब फरमाते हुए अब्दुल मतीन और अबूद हमदान मोतमद इंतजामिया व दिगर सोसाइटी के वाबस्तगान शोरा और सामाइन का शुक्रिया अदा करते हुए महफिल के अख्तिताम का ऐलान किया। इस कामयाब मुशायरे और शेरी नशिस्त की खास बात ये रही कि मेहमान खसूसी व साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने भी इस मौके पर अपना रंग दिखाया। उन्होंने चंद मुंतखब अशार सुनाए और साथ ही कुछ अपने अशार भी सुनाकर सामाइन को हैरान कर दिया और बेसाख्ता दाद देने पर मजबूर कर दिया। मीर मजाज अली के इस खुशगवार रवैये को सामाइन ने हैरत व मसरत से देखा क्योंकि पहली बार मीर मजाज अली ने कलाम सुनाया और बेशुमार दाद वसूल कर ली। पत्थर उछाल कर क्या बात पत्थर उछाल कर शीशे के घर है पाँव रखना संभाल कर पत्थर उछाल कर शीशे के घर है पाँव रखना संभाल कर क्या खबर थी ये मुझको ही डस लेंगे एक दिन पछता रहा हूँ साहब के बच्चों को पास हर मुसर्रत की तय में डूब कर गम के मोती निकाल लेता हूँ लोग साहिल से लौट जाते हैं मैं समंदर खंगाल लेता अब्दुल साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिस वक्त इराक पे हमला हुआ था उस वक्त और उससे बहुत से पूरे मुसलमान दुनिया के मुसलमान मुतासिर हुए थे और गुस्सा था कि सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला हो रहा तो उस पे जो है उस वक्त मैं एक चार लाइन ये लिखा है करा था तो ये था यहूदियों के सब में जो मुसलमान खड़े हैं कहते हैं अपने आप को काबे के निकेबा खड़े हैं क्या होगा अंजाम ऐ मजाज सामने जो सद्दाम खड़े हैं
हरीदा हरम के पौधों की अदम निगहदाश्त व लापरवाही पर जिला कलेक्टर की बरहमी। पौधों पर तवज्जो देने की सख्त हिदायत। जिला कलेक्टर ने नौ तामीर शुदा कलेक्ट्रेट की इमारत का मुआयना किया और अहम हिदायतें जारी की। उनके हमरा अहम महकमाजात के अहदेदार मौजूद थे। निजामाबाद मुस्तकिल पर वाकई बाईपास सड़क पर जो कि अरसापल्ली से कंटेश्वर को जोड़ती है, इस पर कलेक्ट्रेट की नई इमारत की तामीर अमल में लाई गई और अब ये इमारत मुकम्मल हो चुकी है और जल्द ही इसके इफ्तिताह की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट की नौ तामीर शुदा इमारत का तफसीली जायजा लिया और इस मौके पर कुछ अहम हिदायतें भी जारी की और कहा कि जल्द से जल्द इस इमारत को महकमा जाति तहवील में ले लिया जाए ताकि महकमों की मुंतकली के अमल को तेज़ रफ्तार बनाया जा सके। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हाईवे 44 से निज़ामाबाद आने वाले सड़क पर इंदलवाई, डिशपली और निज़ामाबाद मंडलों की हदूद में लगाए गए हरीता हरम के पौधे सूख चुके हैं। जिला कलेक्टर ने उन पौधों की निगहदाश्त में अदम दिलचस्पी व लापरवाही पर अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि आखिर क्यों उन पौधों की सिंचाई में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया है और आखिर क्यों ये पौधे सूख गए हैं। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी के मुतालिका अहदेदार उन पौधों पर तवज्जो दे, उनकी बरवक्त सिंचाई और मुनासिब निगहदाश्त व तहफ्फुज़ के इकदामात किए जाएं। जिला कलेक्टर ने लापरवाही व गफलत पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। बाद अजां जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने नए कलेक्ट्रेट की इमारत, नौ तामीर शुदा कलेक्टर के चैम्बर और कॉन्फ्रेंस हॉल का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल कलेक्टर व कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा के अलावा दिगर आला ओहदेदार चंद्रशेखर, राजेश्वर रेड्डी, चंदर सिंह और जया सुधा मौजूद थे। वेलपुर में सीडीपी फंड से कल्याणा मंडप की तामीर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि ये मंडप 50 लाख की मालियत से तामीर किया गया है, उससे गरीब आवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। वेलपुर मंडल मुस्तकर में 50 लाख एमएलए सीडीपी फंड से अवाम के लिए कल्याणा मंडप तामीर किया गया। इस फंक्शन हॉल का इफ्तिताह किया गया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और इफ्तिताह किया। बाद अजा उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इकदाम कर रही है और कहा कि इस तामीर करदा फंक्शन हॉल से कई अवाम कम खर्च में शादियाँ कर सकते हैं और कहा कि केसीआर का मकसद गुरबा खुशी व मसरत के साथ ज़िंदगी गुजारे और वेलपुर में कई तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, वो भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे और कहा कि हकीकी गरीबों को दूसरे मरहले में मकानात दिए जाएंगे और हुकाम सिर्फ गुरबत की बुनियाद पर मकानात की तकसीम करेंगे। इसमें ज़ात और सियासत में कोई इम्तियाज़ नहीं होगा और आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से जिनके पास अपनी जगह है उनको मकान की तामीर के लिए पैसे देने की स्कीम आने वाली है और ऐसे कई बेशुमार स्कीमात हैं जो सिर्फ रियासत तेलंगाना के सिवा मुल्क के किसी भी रियासत में नहीं है। आवाम उन स्कीमात से मुस्तफीद भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इस प्रोग्राम में देहाती अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। ना फ्रेंड्स नैन कल सबल बी आस्पत्र अभी सौकर्या आक्सीजन बेड ईसीयू बेड अरे पा करोना अल्ला मोपाइट अट्ठा वस्ते मैं निजामाबाद आस्पत्र आक्सीजन कोसम निजामाबाद को आरूर को अवसर लेकिन वेलपूर ने मन मन उड़ेट 35 लक्ष रूपये खर्च तो अभी एर्पड़ी वेलपूर करोना वा एचना अयो आक्सीजन दरकत इबंधी ईसीयू बेड दरकत इबंधी अनेट उ अंत मन से जगह गवर्नमेंट अटने इन वार इनवाल केसीआर गारी प्रकार मोदी दफा वे कीजे अधिकार मोटमोद प्लाट इंडते उदो मोदी वाले अभी एवरना का पार्टी वारा ये कुलम वारेपूर्ण उम्मीदों ना बिडरे ना वेरे वेरे रकम उ काबट्टी ने सर्पंच एपीटीसी रामुल अधिकारे सर्वे फस्ट फेज इ्लाट रूनो लेवल गुर्ति फस्ट वाली
अंटे मत डेबई मंदिर मत विंडू कार अंदर मूर्ना डेबई मंदिर फस्ट प्लेस माला अप्लीकेशन इंका मैं मुफ मुफ इनाई माला अप्लीकेशन माला दूरमें एवरकते इंडू ब्लाक उदो वाले मोदी मोदी फेज तरवा मिगल चूदा जरिए दूसरी अवान अखर लेवर न्याय का फस्ट इंडू ब्लाक लेना वाल अंदबड़ा। भवानी नगर डेवलपमेंट कमेटी की तश्कील अमल में आई। इस प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी मेयर बल्दिया नीतू किरण ने कहा कि डिवीजन में बनाई जाने वाली ऐसी कमेटियां तरक्की में मुआविन साबित होती है। उन्होंने नौ मुंतखब जिम्मेदारान को मशवरा दिया कि वो अवामी मसाइल को उजागर करें। शहर के भवानी नगर कॉलोनी में कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी की नई वर्किंग कमेटी की हल्फ बरदारी तकरीब मुनक्कद की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर की मेयर नीतू किरण ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर की तरक्की में कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी का ताउन बहुत ज़रूरी है और कहा कि कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी के मेंबरान की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ किए गए तरक्याती स्कीमों का सही इस्तेमाल करते हुए काम करे और कहा कि आवाम को दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल करते हुए मसाइल की एक्सवी करे। बाद अज़ा उन्होंने कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नई कमेटी के सदर एल भुमैया, जनरल सेक्रेटरी ए राजू, राधा कृष्णा और कॉलोनी के कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सवाल। गुंजार मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहाँ 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है, फ्लावर हॉस्पिटल नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वीरा वितेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोवर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वी आला से लेस आरस्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करे फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिकर नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्द और ख्वातीन और बच्चों की जरूरत का हर सामान हमारे पास दस्तियाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। MGmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तियाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली अरंडी का तेल भी दस्तियाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वफा के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंगनवाड़ी टीचर्स के खिदमात को तेज रफ्तार बनाने के लिए उनमें सेलफोन की तकसीम। रुद्रपुर मंडल में DCCB चेयरमैन पी भास्कर रेड्डी ने ये सेलफोन आंगनवाड़ी टीचर्स के हवाले किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा कर रही है। बांसवाड़ा हल्के के रुद्रपुर मंडल में आंगनवाड़ी टीचर्स में सेलफोन की तकसीम अमल में आई।
इस प्रोग्राम में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए टीचर्स में फ़ोन तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आंगनवाड़ी टीचर्स को मुफ्त सेल फ़ोन फ्राहम कर रही है ताकि वो आवाम के लिए हमेशा दस्तियाब रहे और आधी रात को भी अपनी खिदमात फ्राहम कर सके और वक्तन फ़क्तन आला हुकाम को तमाम मालूमात भेज सके और कहा कि बांसवाड़ा हल्के के 142 आंगनवाड़ी टीचर्स में फ़ोन तकसीम किए गए हैं। टीचर्स इन फ़ोन की मदद से बेहतर खिदमत अंजाम दें और कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स की खिदमत को देखते हुए वज़ीर आला केसिया ने उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है और बढ़ती हुई तनख्वाहें इस माह से अदा की जाएगी। आंगनवाड़ी टीचर्स करोना वैक्सीन के ताल्लुक से अवाम में शोर बेदारी करें। इस प्रोग्राम में रुद्रूर MPP ए सुजाता नागेंद्र, ZPTC N गंगाराम, वर्नी MPP श्री लक्ष्मी व दीगर मौजूद थे। ఫోన్ ద్వారా మీ గ్రామాలలో మీ పరిధిలో ఉన్న అంగన్వాడీ పరిధిలో ఉన్న ఎవరికైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా ఇమ్మీడియట్ గా మీ అధికారులకి తెలియజేయడానికి ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్ర మొత్తం మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీ అందరినీ సెల్ ఫోన్ నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది। కాబట్టి మీరందరూ ఏదైతే ఈ కార్యక్రమం ప్రభుత్వం చేపట్టిందో మీ ద్వారా మాకందరికీ నమ్మకం ఉంది। ఎందుకంటే మాందరికీ తెలుసు ప్రతి ఊళ్ళో మీ అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఏ అమ్మకు ఏ పిల్లలకి ఇబ్బంది వచ్చినా మీరు చూసుకుంటారని చెప్పి मंडल के मौजा रायतु नगर में जनरल फंक्शन हॉल का DCCB चेयरमैन P भास्कर रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने कहा कि इस मौजा में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और मजीद काम भी मंजूर शुदा है, उनकी भी जल्द तकमील की जाएगी। बिरकुल मंडल मुसखर के रायतु नगर गांव में जनरल फंक्शन हॉल की तामीर के लिए निजामबाद जिला DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रायतु नगर की आवाम की दरख्वास्त पर तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खसूसी तरक्याती फंड SDF से 25 लाख रुपये की मंजूरी दी और कहा कि रायतु नगर गाँव में और भी कई तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे जिससे देहात के आवाम को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बाद अजा उन्होंने बांसवाड़ा मंडल नागाराम गाँव में मुनक़िदा कुरमा तबके की शादी तकरीब में शिरकत की और दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर रायतु नगर के सरपंच नागेश्वर राव, सबका ZPTC सतीश, जिला रायतु बंधु सदर अंच रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन अशोक व दीगर मौजूद थे। कापू कमेटी हाल में लाइन्स क्लब का इफ्तिताह। इस मौके पर लाइन्स क्लब के नए जिम्मेदारान ने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर क्लब के जिला गवर्नर डॉक्टर रामाकृष्ण रेड्डी ने कहा कि क्लब बेशुमार अवामी व फलाही खिदमत अंजाम देता आ रहा है। शहर के लाइन्स क्लब ऑफ निजामाबाद की जानिब से मुनूर कापू कमेटी हाल में क्लब का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में जिला गवर्नर डॉक्टर रामाकृष्ण रेड्डी ने शिरकत करते हुए लाइन्स क्लब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर रामाकृष्ण रेड्डी ने नई तश्कील शुदा लाइन्स क्लब ऑफ तेलंगाना के मेम्बरान को मुबारकबाद दी। बाद अजा डॉक्टर रामाकृष्ण रेड्डी की क़ियादत में नायब गवर्नर जी श्रीनिवास ने क्लब वर्किंग कमेटी के अरकान की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ लिया और बेहतर खिदमत अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लाइन्स क्लब के साबिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डी पेंटैया, बसवेश्वर राव, जी श्रीनिवास, गंगादास व दीगर मौजूद थे। Because you have to grow, आपको आगे बढ़ना है और सेवा के जरिए आप दूसरों को बढ़ाना भी है और लोगों की दुआएं लेना भी है। ग्राम पंचायत वर्कर्स को भी हुकूमत के ऐलान करदा 30% PRC के दायरे का में शामिल किया जाए। वर्कर्स यूनियन ने MPDO ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनासिब किया और कहा कि सफाई का मुअस्सर नज़्म करने दिन रात मेहनत करने वाले वर्कर्स को नज़रअंदाज करना मुनासिब बात नहीं है।
डिशपली मंडल मुस्तकिल में रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 30% पीआरसी को ग्राम पंचायत कारकुनों को देने का मुतालबा करते हुए ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन की जानिब से एमपीडीओ ऑफिस के रूबरू एहतजाज करते हुए वर्कर्स ने धरना मुनाजम किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन जिला सदर वेंकटी ने कहा कि वर्कर्स गाँव को साफ सुथरा बनाने में बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हैं, उन लोगों की खिदमत को हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सफाई मुलाजमीन को तमाम सहूलियत फराहम करे और उन्हें पीएफ और ईएसआई देने का मुतालबा किया और उसके साथ साथ वर्कर्स को 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस देने का इजहार किया। हुकूमत वर्कर्स के साथ नाइंसाफी करते हुए मसावी काम की मसावी तनख्वाह अदा नहीं कर रही है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत वर्कर्स के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है जिसके सबब वर्कर्स परेशानियों में मुब्तला है। कोरोना के दौर में उन वर्कर्स ने दिन रात खिदमत अंजाम दी, आज उन वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा बोझ डालते हुए परेशान किया जा रहा है। हुकूमत उन वर्कर्स को 19,500 रुपये उजरत देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में AIKMS के कायद मुरली, ग्राम पंचायत वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रियासती हुकूमत IT सेक्टर की हौसला अफजाई कर रही है क्योंकि जदीद दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत हद तक इंसार करता है। IT सेक्टर के फरोग के लिए लुक इस पॉलिसी को मुतारुफ करवाया गया है। MLC कविता कबीर, उन्होंने उपल में IT कंपनी का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद शहर के उपल अबाकस में IT कंपनी के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में TRS रुकने कानून साज कौंसल के कविता ने शिरकत की और IT कंपनी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बाद अजा उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में IT सेक्टर को वसत देने के मकसद से लुक ईस्ट पॉलिसी को मुतारुफ किया है और लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत कई IT सनतों का क़याम अमल में लाया गया है और कहा कि रियासती वजीर तारक रामा राव नौजवानों को IT सनतें लगाने की तरकीब दे रहे हैं और शहर हैदराबाद IT के मैदान में मुल्क में पहले नंबर पर है और IT कंपनियों के क़याम से बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजमत हासिल हो रही है। और इस मौके पर कविता ने सालग्राम ईटेक स्मार्ट IT कंपनी में 300 से ज़ायद नौजवानों को मुलाजमत फ्राहम करने पर कंपनी की सताइश की। इस प्रोग्राम में उपल रुकने असम्बली बी सुभाष रेड्डी और IT कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। హైదరాబాద్ నగరంలో అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో IT పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందాలి సంకల్పంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ లో ఈస్ట్ అనే పాలసీ తీసుకొని ఈక్వల్ కారిడార్ అంతా కూడా IT పరిశ్రమ కోసం అభివృద్ధి చెందాలని అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం, అది గవర్నమెంట్ IT సెస్ అయినా కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళు కట్టినటువంటి IT సెంటర్స్ అయినా కూడా కంప్లీట్ గా ఇవాళ ఫిల్ అయ్యి హైదరాబాద్ నగరం భారతదేశంలోనే IT పరిశ్రమలో నంబర్ వన్ గా నిలవడానికి మరి తయారవుతున్న సందర్భం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగానే యువ మిత్రులు, తెలంగాణ బిడ్డలు మరి కొత్త IT కంపెనీని ఇక్కడ ప్రారంభం చేయడంతో దాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇక్కడ రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. పరిశ్రమ ఇంకా బాగా ఎదగాలని చెప్పి ఇందులో అనేక మంది, దాదాపు 300 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. వారందరూ కూడా చక్కగా ఉండాలి, ఇంకా అనేక మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటటువంటి స్థాయికి మీరు ఎదగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. మీలాంటి యువ మిత్రులందరికీ తెలంగాణ IT శాఖ మంత్రి గారు ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేక పాలసీలతో ముందుకొచ్చింది కాబట్టి హైదరాబాద్ అనేటటువంటిది IT మారు పేరుగా భారతదేశంలో ఎదుగుతుందని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. डिशपल्ली में हुए 3 कत्ल का सनसनीखेज मामला हल, वन्नीसारा मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महज पैसों के लिए हथौड़े से उसने तीनों का कत्ल किया था, कमिश्नर पुलिस का बयान। जिला कलेक्टर ने नई तामीर शुदा कलेक्ट्रेट की इमारत का मुआयना किया और ओहदेदारों को अहम हिदायतें दी। इस मौके पर हरिता हरम के पौधों की अदम निगेदाश पर भी बरहमी का इजहार किया। आंगनबाड़ी टीचर्स में DCCB चेयरमैन ने सेल फोन तकसीम किए, कहा कि इसका मकसद उनकी खिदमत को तेज तर बनाना है। हुकूमत उनकी तनख्वाहों में भी इस माह से इजाफा कर रही है। वेलपुर में 50 लाख की मालियत से कल्याणा मंडप की तामीर, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों को जबरदस्त राहत मिलेगी। तो ये थी खबरों की तफसील, मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।